था कि दोस्तों आप देख रहे हो मैं पहुंच गया हूँ एक ऐसी जगह है जहाँ हर रोज चमत्कार होते हैं। बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते हैं मंदिर में। वैसे आपने खाटू श्याम का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन ये है मंदौना धाम जहाँ खाटू श्याम बाबा ने यहाँ के महंत को रात में आके सपना दिया था, उसके बाद में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। आपको अभी हम ले चलेंगे, महंत जी से बात करवाएंगे और यहाँ के दर्शन करवाएंगे बाबा खाटू श्याम के। यहाँ पे लोग दिल्ली, आगरा, मतलब लखनऊ, बड़े बड़े शहरों में जो इलाज करा के थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, वो यहाँ आके उन लोगों को फायदा महसूस हो रहा है। इसके जितनी मतलब तारीफ करो कम है। सामने यहाँ पे कीर्तन भी चल रहे हैं, 3 बजे कपाट खुलेंगे। अभी मान जी थोड़ा विश्राम करने गए हैं। दिन जो भी मतलब बीमार दुख दर्द वाले आते हैं उन लोगों की सुनते हैं उन्हें, और अभी 3 बजे के टाइम पे आपको मिलवाएंगे मान जी से। और तब तक आपको यहाँ पे मतलब काफी लोग आए थे जो जॉब अपनी छोड़ के यहाँ सेवा कर रहे हैं, यहाँ के सेवादारों से मिलवाएंगे, लोग जो पीड़ित हैं उन लोगों से भी बात करवाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे कीर्तन चल रहे हैं। आइए चलते हैं कीर्तनों की ओर। है और ये बता रहे हैं काफी जगह इलाज करा चुके हैं लेकिन सब जगह से हार थक के आज बाबा श्याम के चरणों में आए हैं। ऐसे ही बहुत सारे अनगिनत लोग रोज आते हैं यहाँ पे और रोज चमत्कार होते हैं। जैसा कि हम आ गए हैं यहाँ के सेवादार हैं भैया मास्टर साहब, आइए इनसे थोड़ा मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं, बताएंगे हमें दरबार के बारे में और इनकी भी एक छोटी सी कहानी है वो भी जानते हैं। बताइए मास्टर साहब हमारे दर्शकों जी, ये 2017 से परमाननीय महंत जी ओमेंद्र महाराज यहाँ पर बैठते थे। यहाँ छोटा सा पेड़ है जो पीछे दिखाई दे रहा है, पेड़ पर यही तपस्या करते थे बाबा श्याम की। 2017 के बाद 7 अक्टूबर 2020 को जो मंदिर पीछे दिखाई दे रही इसकी आधारशिला रखी गई थी। 2 साल हो गए मंदिर को बनते हुए और 2023 तक मंदिर बन जाएगा, लेकिन 1 साल से ऐसा चमत्कार हुआ यहाँ पे, जो नल है पीछे दिखाई दे रहा है कैमरामैन के, इसी श्याम जल का पी के वो मरीज सही हुए हैं। जो एम्स, अपोलो, दिल्ली, लखनऊ छोड़ दिए गए वो मरीज इस जल को पीकर निःशुल्क या कुछ नहीं, वो जल पीकर सही हो गए। और ये कम से कम 1 साल से यहाँ पर बिहार, बंगाल, बिहार और क्या कहते हैं आपकी राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, आसाम से लोग यहाँ दर्शन करने आए बाबा श्याम के। माता बताइए दर्शकों को आप आपकी क्या कहानी, आप कब से हैं यहाँ पे? मैं चूंकि मैं 1 साल से जुड़ा हुआ, पहले मेरे एक भतीजे हैं यहाँ से आते रहते थे, मैं बरेली जा रहा था, मेरे एक पे 25,000 रुपए थे। मैंने कहा बाबा श्याम इतनी शक्ति आपके अंदर है तो मेरे 25,000 रुपए लेके गायब हो गया है, उसका नहीं आता पता है। मैं जब बरेली पहुंचा, बरेली से वापस आया तो उसका फोन आया कि सर जी, तो कोरोना काल में आपने 25,000 रुपए दिए थे, वो पैसे आपके क्या कहते हैं मैं किस खाते में डाल दूं। दूसरा कल ही मेरे साथ हुआ, कल मेरी मैडम के यहाँ पे गार्ड थी जो कि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, कल मैं उनको लेके आया, महंत जी ने जब हाथ रखा तो उनकी गांठ गायब हो गई। तो 2 चमत्कार तो मेरे सामने हुए। कल एक बच्चा था करीब 14-15 साल बरेली का, जो कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रहा था, जिसकी वीडियो भी है, और वो लोग कल खड़ा हुआ और यहाँ मैं दौड़ा। तो यहाँ पर जब लाइव चमत्कार होते हैं वो बहुत साक्षात चमत्कार करते हैं जी। जैसा कि हमने जाना और महंत जी ने जिस वो सेवादार ने जो नल के बारे में जानकारी दी वो यही नल है, इसी दिव्य नल से जल ले जाके बाबा जी फिर पढ़ के देते हैं। आइए दिखाएंगे आगे, अभी बने रहिए वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे भक्त लोग कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लाइन लग गई है। संभलते हैं
ये नीम का पेड़ है, यहाँ पे ही महान जी बताते हैं पहले बैठ के ध्यान लगाते थे, और यहाँ पे लोग नारियल और पर्ची में लिख के अपनी अर्जी चढ़ाते हैं, और मान्यता है कि लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी अर्जी में लिख के देते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ पे लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो इस मंदिर के चमत्कार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके और लोग आके बाबा श्याम के दर्शन कर सकें। चलते हैं मंदिर की ओर और दिखाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन कराते हैं और मान जी से मिलवाते हैं। अगले जन्म नहीं, सात जन्म पर, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ बाबा। की भक्तों, अभी देखा हमने मनोना धाम में खाटू श्याम जी के दर्शन किए, और अब चलते हैं वीडियो की एंड की ओर। इससे पहले कि वीडियो को समाप्त करें, सभी लोग बाबा खाटू श्याम का जयकारा लगाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। 1 मिलियन व्यू करवा दीजिए, फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खाटू श्याम। तब तक के लिए 3 बार धारी की जय, खाटू श्याम की जय।